आप भी समझिए कि पूरे एनडीए में एक लीडर है नीतीश कुमार, और कोई लीडर तो है नहीं कोई जिसका विजन कोई सोच ही हो। भाजपा में कोई लीडर बनाने का भी प्रयास नहीं किया, जैसे तैसे लोगों को मंत्री बना दिया, लीडर बना दिया, संगठन में दे दिया। उस तरह से सुशील मोदी, मंगल पांडे वगैरह तक ठीक था। उस समय लगता था कि बीजेपी में संगठन में कुछ है, और लेजिस्लेचर संगठन सब पर सुशील मोदी का प्रभाव था। और एक लोग कोई प्रॉब्लम होता था, लोग सुशील मोदी के पास जाते थे, ये करते थे, लगता था कि कोई बात सुनने वाला। आज तो कुछ नहीं है, जीरो है एकदम। अपने नेता लोग वेस्टेड इंटरेस्ट में गला अपना काम किए, कोई सही लोगों का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए पार्टी की आज ये दुर्गति है। और अपर कास्ट में भी काफ़ी नाराजगी है, अपर कास्ट में भी कोई लीडरशिप नहीं है, कोई पूछने वाला किसी को नहीं है। तो इसका अगर नहीं ये करेंगे तो इसका प्रभाव, हमको डर है कि इसका प्रभाव 24 के इलेक्शन में पड़ जाएगा। बहुत बिहार की सियासत में बीजेपी के अंदर से बड़ी खबर निकल के आ रहा है, जहां बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व है उस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार है लेकिन भाजपा के अंदर जो नेतृत्व है वो अब नहीं दिखता। इसके पहले कैलाशपति मिश्र हुआ करते थे, सुशील मोदी हुआ करते थे, जिनके दिशा निर्देश में भाजपा अच्छी तरीके से काम करती थी, उनकी जो रणनीति है वो अच्छे तरीके से दिखती थी। इस पूरे मामले के बाद ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और बीजेपी के अंदर ठन गई है। बीजेपी के तरफ से अब सवाल पूछे जा रहे हैं, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और यह बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं रामप्रीत पासवान ने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के सवाल पर सीधे तौर पर जवाब दिया और कहा है कि पार्टी को ऐसे विधायकों के बोल पर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी विधायक पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, तो सरकार के मंत्री और पार्टी के जो विधायक और पार्टी के कोटे से जो बिहार सरकार में मंत्री है वो सीधे तौर पर उस विधायक के ऊपर कार्रवाई की बात करें। यानी बीजेपी के अंदर बीजेपी विधायक और बीजेपी कोटे के मंत्री अब एक दूसरे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश का जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जिस तरीके से आरोप बिहार प्रदेश बीजेपी पर लगाया था उसके बाद से बिहार बीजेपी के अंदर से जो भूचाल है वो मचा हुआ है। बिहार बीजेपी के अंदर से कई तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। और इसी बीच बिहार सरकार के जो मंत्री रामप्रीत पासवान ने क्या कुछ कहा है उस बयान को हम आपको सुना रहे हैं। कहने से थोड़े होता है, नेतृत्वहीन कहीं पार्टी चला है कहीं देखे आप लोग, इनका व्यक्तिगत विचार है, इनके कहने से थोड़े कोई साबित है, साबित करे, ये जो कह देंगे सो हो जाएगा, उससे कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। रामप्रीत पासवान ने सीधे तौर पे बीजेपी के ही विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को कहा कि उनके कहने से नेतृत्व विहीन नहीं हो सकती है पार्टी, किसी के कहने से पार्टी नेतृत्व विहीन नहीं हो सकती है। यानी जो बीजेपी विधायक का दावा है वो झूठ है, उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। साथ ही साथ रामप्रीत पासवान ने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी सोच है, वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, हो सकता है कि पार्टी में उनकी कोई नहीं सुन रहा हो इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत सोच को रख रहे हैं। इसके अलावा रामप्रीत पासवान का कहना है कि ये सोच उनकी हो सकती है लेकिन ज्ञानू ने जिस तरीके की बातें कही है वो सीधे तौर पर यह साबित कर रहा है कि पार्टी में नेतृत्वहीन होकर नहीं चला जा सकता है। रामप्रीत पासवान का कहना है कि कोई भी पार्टी बिना नेतृत्व का नहीं चल सकती है। अगर ज्ञानू इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो वो बेबुनियाद है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की जो बात है वो सच हो ये जरूरी भी नहीं है। उनका कहना है कि जो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं, ये जरूरी भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, यानी बिहार के अंदर अपने विधायक के ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी, इसलिए क्योंकि उन्होंने पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाया था। साथ ही साथ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जो उदाहरण दिए थे उसमें पूर्व के जो पार्टी के नेतृत्वकर्ता थे, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी की कमान जिनके हाथों में रही है, उनकी तारीफ खुद बीजेपी के विधायक ने की थी। लेकिन हालिया में जो संजय जायसवाल हैं उनके नेतृत्व पर बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन के जो नेता हैं उन पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का जो बड़ा आरोप लगा था। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बचाव में बिहार सरकार के मंत्री रामप्रीत पासवान उतरे हैं और उनका कहना है कि किसी के कहने से पार्टी नेतृत्व विहीन नहीं हो सकती। एक बार फिर से रामप्रीत पासवान का बयान आपको सुना रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की अपनी सोच हो सकती है, पार्टी को उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहने से थोड़े होता है, नेतृत्वहीन कहीं पार्टी चला है कहीं देखे आप लोग, इनका व्यक्तिगत विचार है, इनके कहने से थोड़े कोई साबित है, साबित करे,
कि जो कह देंगे सो हो जाएगा, सिद्ध उससे कार्रवाई होनी चाहिए। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बटको चाहे जहां काम होगा सिर्फ यहां, ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति प्रेम विवाह जादू टोना पति पत्नी में अनबन सौतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।